हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडमिन स्पेंसर को, जो कि एलिजाबेथिन एज के ग्रेट राइटर हैं। ही वाज बोर्न इन 1552 एंड डाइड इन 1599। उनका जन्म हुआ था ईस्ट स्मिथफील्ड में नियर द टावर ऑफ लंदन, और उनकी मृत्यु हुई थी 1599 में, और उनको बरीड किया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में। वेस्टमिंस्टर एवे में पोइट्स कॉर्नर में उनको बरीड किया गया था नियर चौसर। चौसर को जहाँ पे बरीड किया गया था पोइट्स कॉर्नर में वेस्टमिंस्टर एवे में, वहीं पे उनके बगल में स्पेंसर को भी बरीड किया गया था। चार्ल्स लैम ने स्पेंसर को कवियों का कवि कहा है, पोइट्स पोइट। चार्ल्स लैम जो रोमांटिक एज के एक एसेस्ट हैं, उन्होंने स्पेंसर को कवियों का कवि कहा है। रिकेट जो कि राइटर है, उन्होंने स्पेंसर को कहा है कि ही इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनासा एंड रिफॉर्मेशन। अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर को कंपेयर किया है मिस्ट्रेस से कंपेयर किया है, और कहा है कि गलतियों को ऐसी मिस्ट्रेस है स्पेंसर जिनकी गलतियों को हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सब स्पेंसर को बहुत प्यार करते हैं। जॉन मिल्टन ने अपने वर्क एडिपोजिटिका में कहा है, आवर सेज एंड सीरियस स्पेंसर। आवर सेज एंड सीरियस पोइट स्पेंसर, एडिपोजिटिका जो वर्क है जो लाइसेंसिंग एक्ट के अगेंस्ट में आया था, उसमें जॉन मिल्टन ने स्पेंसर को मेंशन किया है एडिपोजिटिका में। जॉन ड्राइडन ने अपना वर्क एनीड डेडिकेट किया है स्पेंसर को, और कहा है, नो मैन वॉज इवर मोर नॉलेज टू सपोर्ट इट। ले हंट जो राइटर हैं, एसिस्ट हैं, उन्होंने अपने वर्क इमेजिनेशन एंड फैंसी में कहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर स्पेंसर एक ग्रेट पोइट नहीं होते तो वो एक ग्रेट पेंटर होते। तो ये सारे जो कम्प्लीमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेंसर के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द सीफोर्ड्स कैलेंडर। सीफोर्ड्स कैलेंडर 1579 में आया था, और स्पेंसर जो यूज करते हैं वर्ड्स वो आर्काइक वर्ड्स होते हैं, आर्काइक वर्ड्स जो कि पुराने वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप सीफोर्ड्स की स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। आर्काइक वर्ड्स यूज करते हैं जो कि पुराने चौसर के टाइम में यूज किया जाते हैं, उस तरह के वर्ड्स वो यूज़ करते थे। और सीफोर्ड्स कैलेंडर जो है वो वर्जिल के इकोलॉग से इंस्पायर्ड है, और इसमें 12 इकोलॉग हैं। सीफोर्ड्स कैलेंडर में टोटल 12 इकोलॉग हैं। इकोलॉग किसे कहते हैं? इकोलॉग एक शॉर्ट पास्टोरल पोएम है, है ना, शॉर्ट पास्टोरल पोएम है जो कि फॉर्म डायलॉग के फॉर्म में होता है। इकोलॉग शॉर्ट पास्टोरल पोएम होता है, पास्टोरल पोएम जिसमें कि सीफोर्ड्स ये सब की बात करते हैं, और ये एक डायलॉग के फॉर्म में होता है। तो सीफोर्ड्स कैलेंडर 12 इकोलॉग है इसमें, और ये एक डायलॉग के फॉर्म में है, और ईच इकोलॉग जो है वो डिफरेंट मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफरेंट मंथ्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टर्निंग ऑफ सीजन्स, ऋतुओं जो बदलती ऋतुएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और ये डेडिकेट किया है स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट वर्क जो है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिनके लिए स्पेंसर जाने जाते हैं, वो है द फेरी क्वीन। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की। इसमें स्पेंसर ट्यूडर डायनेस्टी को सेलिब्रेट करते हैं, और उन्होंने डेडिकेट किया है एलिजाबेथ फर्स्ट को। ट्यूडर डायनेस्टी हम लोग सब जानते हैं कि हेनरी 7, हेनरी 8, एलिजाबेथ फर्स्ट सारे ट्यूडर डायनेस्टी में आते हैं। तो यहाँ पे ट्यूडर डायनेस्टी को सेलिब्रेट करते हैं और डेडिकेट किया है एलिजाबेथ फर्स्ट को। और ये इनकम्प्लीट इंग्लिश एपिक पोएम है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं किया है। ओरिजिनल प्लान जो था स्पेंसर का, यहाँ पे 24 बुक्स लिखने का था, बट कुड कंप्लीट ओनली 6 बुक, वो 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए। ऐसा जो प्लान था वो उनके फ्रेंड्स जो वॉल्टर रेले को
एक लेटर के माध्यम से बताया था स्पेंसर ने कि वो स्पेरिक में लिखना चाहते हैं, जिसको वो 24 बुक्स में लिखने का प्लान कर रहे हैं, बट वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए और 6 बुक्स ही वो कंप्लीट कर पाए। जो फर्स्ट 3 बुक आई थी वो उसका पब्लिकेशन डेट है 1690, फर्स्ट 3 बुक 1690 में पब्लिश हुआ था, और जो नेक्स्ट वॉल्यूम आई थी वो टुगेदर 6 बुक्स के साथ पब्लिश हुई थी 1696 में। तो 2 पब्लिकेशन डेट है इसके, पहले 3 बुक 1690 में और फिर 6 बुक्स के साथ 1696 में पब्लिश हुए थे। और ओरिजिनल वर्स फॉर्म में लिखा गया है, जो स्पेंसेरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता है, एक वर्स फॉर्म इंट्रोड्यूस किया स्पेंसर ने, स्पेंसेरियन स्टेंजा, जिसमें कि 9 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, 9 एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होते हैं, और जिसके राइम स्कीम है ABABBCBCC, ये राइम स्कीम है स्पेंसेरियन स्टेंजा की। ये 6 बुक्स में लिखा गया है, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 6 बुक्स में ईच बुक्स रिप्रेजेंट 6 वर्च्यूज, के जो वर्च्यूज हैं उसको 6 बुक्स में रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स के द्वारा, है ना। तो बुक फर्स्ट में क्या दिखाया गया है, होलीनेस को दिखाया गया है, होलीनेस वर्च्यू को दिखाया गया है, पवित्रता को। और ये किसके द्वारा दिखाया गया है, कौन से नाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड क्रॉस नाइट। बुक सेकंड में टेम्परेंस को, टेम्परेंस वर्च्यू को दिखाया गया है, और यहाँ पे सर्गियोन इज लीडिंग हीरो इन बुक सेकंड। बुक थर्ड में चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटोमार्ट, जो कि एक लेडी नाइट है, लेडी नाइट ब्रिटोमार्ट, वो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है। बुक फोर में वर्च्यू जो है वो फ्रेंडशिप है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाइट कैंपेल एंड ट्रियामोन। बुक फाइव जो है वो जस्टिस वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंटिंग नाइट कौन है, आर्टिगल, नाइट आर्टिगल। बुक सिक्स में कॉर्टिसी वर्च्यू को दिखाया गया है, कॉर्टिसी, और इसको रिप्रेजेंट कौन से नाइट कर रहे हैं, कॉलिडोर। तो ये जो वर्च्यूज़ हैं ईच बुक्स में और नाइट जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक थर्ड में कौन सा वर्च्यू है, कौन सा नाइट है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है स्पेंसर की, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एमिडिटी। एमिडिटी 1595 में आई थी, और ये सोनेट साइकिल है, इसमें 89 सोनेट्स हैं, और ये डिस्क्राइब्स करता है कोर्टशिप एंड मैरिज एलिजाबेथ बॉयली के साथ, स्पेंसर की जो मैरिज हुई थी उनकी लव रिलेशन को ये डिस्क्राइब करता है एमिडिटी। 89 सोनेट साइकिल्स है जिसमें कि वो अपनी लव रिलेशन और अपनी मैरिज को डिस्क्राइब करते हैं एलिजाबेथ बॉयली के साथ। एपिथेलेमियम जो कि एक ओड है, और ये भी एलिजाबेथ बॉयली के द्वारा के लिए लिखा गया है, स्पेंसर ने अपनी वाइफ के लिए लिखा गया है, अपनी शादी के दिन लिखा है। तो ये एपिथेलेमियम, प्रोथेलेमियम, ये सारे वेडिंग सॉन्ग हैं, है ना, जिसको कि न्यूपिटल सॉन्ग भी कहते हैं, वेडिंग सॉन्ग न्यूपिटल सॉन्ग कहते हैं। ओके, प्रोथेलेमियम इट इज़ रिटन इन द कॉन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मैरिज सॉन्ग। तो एपिथेलेमियम एंड प्रोथेलेमियम बोथ आर द वेडिंग सॉन्ग। नेक्स्ट जो उनका वर्क इम्पॉर्टेंट है वो है एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल लिखा है स्पेंसर ने, ये एक पेस्टोरल एलेजी है, और ये किसके लिए लिखा है आप सब जानते होंगे कि ये लिखा है स्पेंसर ने आफ्टर डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी, सिडनी के डेथ के बाद स्पेंसर ने लिखा है एस्ट्रोफिल। तो ये सारे वर्क्स इनके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनदर एलिजाबेथियन राइटर को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।